शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। मामला शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर 4 अज्ञात मरीजों को भर्ती कराया गया, जिनमें 2 की मौत हो गई, 2 अभी भी भर्ती, लेकिन उनकी कोई देखभाल नहीं हो पा रही। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता लक्ष्मीकांत का रुख करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, मरीज कहाँ के हैं और मेडिकल कॉलेज में कैसे आई हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, 4 मरीज जो है कुछ दिनों पहले ही अलग अलग लोगों द्वारा भर्ती कराए गए थे, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं हो सकी थी। तो वहाँ अलग अलग लोगों द्वारा 4 लोग भर्ती कराए थे, जो बीमार भी थे और जिनका पता नहीं था कहाँ गए हैं कहाँ नहीं, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। जी लक्ष्मीकांत जी, मरीजों का इलाज हो भी रहा है या नहीं यहाँ पर? जी, मरीजों का इलाज जब से भर्ती कराए गए हैं किसी तरह की कोई देखभाल नहीं हो रही है मेडिकल कॉलेज में। वहाँ 4 मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और उन मरीजों का दाह संस्कार या अंतिम संस्कार जो भी है कायदे से नहीं किया गया। बाकी 2 मरीज रह गए हैं जिनका उनको कहना है कि मानसिक रोगी हैं, लेकिन उनका भी कोई इलाज नहीं रह रहा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह वो पड़े हैं, उनका किस तरह इलाज हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी, अगर आपकी संबंध में डॉक्टरों से बात हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी, मेडिकल कॉलेज की मीडिया प्रभारी डॉक्टर पूजा पांडे से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया है कि ये 2 रोगी जो हैं ये मानसिक रोगी हैं और इनको अगर हम उस हिसाब से करते हैं, ये कहीं भाग खड़े होते हैं, कहीं दौड़ते हैं या कुछ करते हैं, तो ये अपनी मर्जी से जो है ये लेटे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये है कि क्या उनको कपड़े नहीं पहनाए जा सकते हैं? तस्वीरों में जो दिख रहा है वो अर्धनग्न अवस्था में है, तो उनको इस चीज की सुविधा और जो भी चीज है वो नहीं मिल पा रही है, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। जी सर। जी शुक्रिया लक्ष्मीकांत, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जनपद संभल के राजपुरा थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी गांबा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें गाय पुलिस चौकी में खड़ी है और वहीं पेशाब भी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि नगर पंचायत गांबा में गौशाला होने के बावजूद भी गाय इधर उधर क्यों भटक रही है? सीधे संवाददाता रविंदर यादव का रुख करते हैं। रविंदर यादव, क्या उस समय पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे जिस समय गाय पुलिस चौकी में खड़ी थी, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, आपको बता दो, ऐसा ही उस समय मौजूद थे और कांस्टेबल भी मौजूद थे उस समय पुलिस चौकी में, वो अपने कार्यालय में मौजूद बैठे हुए थे। जी रविंदर, क्या पुलिस चौकी के आसपास कहीं पर कोई गौशाला नहीं है यहाँ पर? जी सर, आपको बता दूं कि एक गौशाला नगर पंचायत गांव में मौजूद है, जिसकी देखभाल चेयरमैन साहब करते हैं अखिलेश जी, उसके बावजूद भी कोई प्रशासन उसे जो अवैध तरीके से घूम रहे हैं पशु उनको लिए गौशाला तक नहीं ले जाया जाता है, और वो धक्के खाते हुए वाहन से कभी एक्सीडेंट की उनसे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जी रविंदर जी, योगी सरकार के सख्त आदेश के बावजूद ये सब देखने को मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जिस तरह से सरकार पैसा दे रही है गौशाला के लिए, उस तरह से तो सभी ये पशु जो घूम रहे हैं, गाय घूम रही है, उसकी देखभाल के लिए जिस तरह से पानी की तरह पैसा दे रही है सरकार, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी तरीके से पशु घूम रहे हैं आवारा, उनके लिए गौशाला में मौजूद होना चाहिए और जो पैसा है उसकी देखभाल करनी चाहिए कि कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं चढ़ाए कहीं, ये भ्रष्टाचार से ही ये अब जो पैसे निकाल रहे हैं और गौशाला नहीं, उसमें कोई भी व्यवस्था नहीं है। शुक्रिया रविंदर यादव जी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।